आजकल आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस के नामदार मुझे गाली देने में कोई कमी नहीं रखते थे और कांग्रेस के नामदार चिल्ला चिल्ला कर मुझे पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना किसी की पर्सनल जागीर नहीं है, देश की रक्षा करने वालों को अपनी जागीर कौन समझता रहा है। ये भी मैं आज इस दिल्ली की धरती से उन लोगों के सामने आंख में आंख मिलाकर हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं, दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं। साथियों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपने परिवार के साथ युद्धपोत से छुट्टियां मनाने जाए? आप इस सवाल पर हैरान मत होइए, ये हुआ है और हमारे ही देश में हुआ है। कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान INS विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, INS विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। भाइयों और बहनों, INS विराट उस समय समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात था, लेकिन उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद उनके पूरे कुनबे को लेकर INS विराट एक खास द्वीप पर रुका, 10 दिन तक रुका रहा। भाइयों और बहनों, राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। सवाल ये कि क्या विदेशियों को भारत के वॉरशिप पर ले जाकर तब देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया था कि नहीं किया गया था? ये खिलवाड़ है कि नहीं है? या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजीव गांधी थे और उनके ससुराल वाले थे, इटली से आए थे, उन्हें सारी छूट मिल गई थी? भाई और बहनों, नामदार परिवार की इस छुट्टी का किस्सा इतने पर ही खत्म नहीं होता। गांधी परिवार जिस द्वीप पर गया था वहां आवाभगत के लिए कोई नहीं था, इसलिए सारी सुविधाएं जुटाने का काम भी सरकार और नौसेना के जवानों ने किया था। एक विशेष हेलीकॉप्टर, वो भी सेना का, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। पूरा प्रशासन इन लोगों के मनोरंजन का
इंतजाम देखता रहा।